नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी कल दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में क्रिश्चियन कम्युनिटी से हुई लड़की का नाम आने रशील है दोनों की शादी गुप्त तरीके से की गई इतनी गुप्त तरीके से की गई कि मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी शादी में बहुत करीबी लोग एवं परिवार के सदस्य शामिल हुए थे शादी के बाद आज तेजस्वी यादव के मामा और साधु यादव पूरे गुस्से में दिखे बताते चले कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की परछाई बने रहने वाले राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का 2009 से ही लालू परिवार से विवाद चल रहा है भाई बहन के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं इस बीच साधु यादव को तेजस्वी की शादी की जानकारी मिलने पर मीडिया के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाली साधु यादव ने कहा कि तेजस्वी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की शादी लड़की से शादी करके परिवार ही नहीं पूरे यादव समाज को कलंकित कर दिया है इतना ही नहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को भक्षोनर शब्द भी कह दिया है सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव शादी की है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से शादी की है क्या इस पर और उनकी जो बाकी छह बहनें थी छह बहनें में सात बहन सात बहन सभी की शादी यादव समाज में इनकी शादी के क्वेश्चन कम यही तो बात है यही तो रोना है यही तो दुखद है कि जो अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा जमात के बारे में नहीं सोचा एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया ये लौंडा एक आदमी एक लड़की के चलते इसमें क्या खासियत था क्या खासियत है इसलिए ये अपनी कुर्बान अपने कमजोरी को ये बिहार पर मर दिया बिहार के लोगों पर मर दिया हिंदू समाज पर मर दिया यादव समाज पर मर दिया कलंकित किया है इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर बड़ी बच्ची की शादी बड़ी बच्ची के जो शादी किए जादो समाज में किए यही तो बगल में खगौल में शादी किए और उसका जब आप जिक्र कर दिए तो लालू जी का एक बात वाक हम मैं सुना देता हूँ इसके मीसा के शादी के लिए हम राजस्थान अलवर गए थे और करण सिंह यादव थे और हुकुमदेव नारायण जादव के जब कपड़ा मंत्री थे तो उनका पीए था डॉक्टर सतपाल यादव और उससे हमारी बात हुई थी तो वो अलवर का एक लड़का होनहार विशाल यादव नाम था जिसका काठमांडू में चार चार फैक्ट्रियाँ थी जूस का और उस लड़का को हम लोगों ने अखिलेश शर्मा अखिलेश शर्मा अखिलेश सिंह जो राज्य मंत्री थे भारत सरकार में और वो और हमें ली मेरेडियन में बैठ करके बात करके बुला करके लाया और फोटो भी दिया गया सब कुछ हो गया था लालू जी ने पूछे कि ये लड़का के पिता कौन है तो वो एक कर्नल साहब थे मलेटी का कर्नल थे और उनकी दो बेटी है एक लड़का जिसका एक अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से शादी किए थे और हिमाचल के एक डीजीपी से शादी किए थे दो बेटियों का और एक लड़का था जिसका हम लोगों ने पसंद किया था तो लालू प्रसाद ने हमको लेकर के जहाज में दिल्ली गए रघुवंत सिंह थे और प्रेम गुप्ता थे प्रेम गुप्ता ने हरियाणा के अलवर के बॉर्डर का होने के नाते प्रेम गुप्ता ने कह दिया कि लड़का का माँ ब्राह्मणी है तो लालू जी ने पूछा था कि लड़का के माँ कौन है हमने कहा कि शादी तो ब्राह्मण से किए हैं कर्ण साहब तो बोले कि तो ब्राह्मण है लड़का के माँ हमने कहा कि लड़का के माँ ब्राह्मण है लड़का का पिता तो जादो है तो लालू जी ने कहा कि नहीं शादी नहीं होगा तो जब लड़की के शादी के लिए ब्राह्मण माता के कारण जो है इतना बड़ा परिवार संपन्न परिवार राजशाही परिवार को लालू जी ने छोड़ करके एक गरीब परिवार में खगोल में शादी किया भारती का तो उस समय जो है लालू जी क्यों ऐसा किए और आज क्यों ऐसा किए काहे किए ये तुलना करिए आप लोग कि बेटियों के शादी जादो में करेंगे और लड़का की शादी क्रिश्चियन में करेंगे यही समाज गवाही देता है क्या यही समाज में अगुवा बन रहे हैं क्या इसलिए इसको पूरा बहिष्कार करना है जादो समाज क्या लगता है कि इस... जादो समाज बहिष्कार करेगा किसी का बधवा मजदूर नहीं है जादो पूरा बहिष्कार करेगा खुल के बहिष्कार करेगा अब इस खुल करके प्रतिकार किया जाएगा पहले समझा जा जाता था लेकिन अब नहीं समझने की जरूरत है अब पूरा जादू को फिर फिरी छोड़ दिया गया है छुट्टा छोड़ दिया गया है तुम विरोध करो ये नहीं चलेगा मनमानी नहीं चलेगा इनका बाप का जमींदारी बिहार नहीं है कि इनको स्वीकार किया जाएगा कभी नहीं किया जाएगा अब जो होगा आर पर देखा जाएगा राजयोग की बात आ रही है कि कोई राजयोग नहीं है खत्म हो गया राजयोग राजयोग समाप्त हो गया कल है समाप्त हो गया राजयोग राजयोग था लेकिन समाप्त कर दिया गया खत्म हो गया अपने हाथ से अपने समाप्त किया गया है जानकारी बचपन के दोस्त है कोई दोस बचपन का दोस्त नहीं है रखेल है कोई बचपन का दोस्त नहीं है बचपन का दोस्त है फालतू बकवास कर रहा है बचपन का दोस्त है बियर पीने वाली या बियर के बोतल लेकर फोटो खिंचाने वाली जो फोटो वायरल हुआ है बोला विधानसभा में की सेल्फी लेने हमारे से कोई आ गया क्यों छुपा के कर रखा आठ वर्षों तक ओपन क्यों नहीं किया और ढोल बजा के क्यों नहीं शादी किया मुंह छुपा के भाग रहा है फायर में शादी हो रहा है फार्म में बिहार में क्यों नहीं किया इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है बिहार के जदवंशी भाइयों और हिंदू भाइयों से अपील है कि इसको बहिष्कार करो जूता मारो जगदानंद से तो कहते हैं कि धर्म प्रदर्शन नहीं जगतानंद भड़ुआ है भड़ुआ है जगतानंद भड़वागिरी बतिया है उसका कौन अधिकार दिया है हमारे हम, हमारे जमात में हमारे जात में बात करने वाला वो कौन होता है जगतानंद सिंह भड़वा बन्वा आदमी भड़वागिरी करता है मार कर ठंडा कर दिया जाएगा जगतानंद को पार्टी कार्यालय से बाहर किया जाएगा उसका बाप का पार्टी है साले को मेरा खून पसीना लगा है पार्टी में मुझे दर्द है हमने पार्टी को सींचा है जगतानंद का बाप का पार्टी है क्या अब बोलेंगे जगतानंद तो सब इलाज हम लोग कर देंगे ताला मार देंगे हम लोग आरजेडी कार्यालय में शक्ति हम क्या है जगतानंद भास्कर हम चुप है तो इसका मतलब क्या है जो जो गलत काम करेगा उसको बहिष्कार किया जाएगा जगतानंद अगर है तो जाए अपना कर्ल क्रिश्चियन में शादी बेटा को क्यों किया राजपूत में शादी जगतानंद जगतानंद भास्कर करेगा उसको इलाज करेंगे हम लोग